टपुकड़ा व भिवाड़ी भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को दोष मुक्त करने के विरोध में निष्पक्ष जांच व न्याय के लिए राज्यपाल के नाम टपुकड़ा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तिजारा विधानसभा के टपुकड़ा व भिवाड़ी मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव को राज्यपाल को ज्ञापन देकर राज्यपाल से अपील की है कि 13 मई 2008 को राजस्थान में हुए सीरियल ब्लास्ट की घटना मुख्य आरोपियों को राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण के कारण कमजोर पैरवी करते हुए मुख्य तथ्यों को उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोषी दोष मुक्त हो गए। राजस्थान सरकार के इस कृत्य की निंदा करते हैं एवं राज्यपाल से अपील करते हैं कि केंद्र सरकार की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच करवाए, जिससे ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय मिल सके एवं भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, पूर्व विधायक मास्टर मावन सिंह यादव, विस्तारक दिनेश जोशी, मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, पवन सिंह, राजकुमार, एमपीएस नेहा गोयल, जिला संयोजक विक्रम यादव, संजय गुप्ता, मनोज जांगीर, सतवीर चौधरी, कंचन तिवारी, करुणा शर्मा, मास्टर मंतूराम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो बम ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसके भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, तो बम ब्लास्ट के दोषियों को सजा दिलाने के लिए एफआईआर कराई गई। उस एफआईआर का बड़ी मजबूती के साथ जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और उसमें कार्रवाई हुई। अब जो कांग्रेस शासन जो आया है उसमें जो दोषी है वो बरी हो गए। बरी इसलिए हो गए, जो अधिवक्ता होता है सरकार की तरफ से पैरवी करने वाला, उसकी लापरवाही और ढील के कारण, उसकी नेग्लेक्सी के कारण ये हुआ है। तो हमारा ये सबका मानना है, रामजन का भी ये मानना है कि सरकार ने उनको कोई निर्देश या उनकी मिली भगत कारण वो अधिवक्ता जो सरकारी अधिवक्ता था उसकी नेग्लेक्सी, ढीलापन और उसकी उदासीनता के कारण वो मुलजिम बरी हुए। जो जनता को न्याय नहीं मिला उसमें कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, इसमें लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, मंडल भिवाड़ी, मंडल टपुकड़ा और भी गणमान्य व्यक्ति भी, तो इनमें ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि इनकी अपील की जाए और अच्छे अधिवक्ता को जो न्यायप्रिय हो और निष्पक्ष काम कर सके उसको नियुक्त करके और पुनः उनको अपील में सजा दिलाने काम करें। धन्यवाद।